राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर चित्रगुप्त मंदिर सभा के पदाधिकारियों ने छात्र संघ चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, जिसके संबंध में चित्रगुप्त मंदिर महासभा के मंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि विवेकानंद जी भारत के इतिहास में एक अमोल धरोहर थे, जिन्होंने 1893 में अमेरिका में जाकर अपने विद्वत्व का झंडा गाड़ा था और उनके विद्वत्व का लोहा पूरे विश्व ने माना था। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद का संपूर्ण जीवन आध्यात्मिकता एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से भरा हुआ था। उनके विद्वत्व व नीतियों पर अमल करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को सामाजिक समरसता का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि चित्रगुप्त मंदिर सभा हर वर्ष उनके जयंती पर यह कार्यक्रम का आयोजन रखती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चित्रगुप्त मंदिर महासभा के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव एवं चित्रगुप्त मंदिर महासभा के मंत्री चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा, अजय कुमार श्रीवास्तव अतुल जी, आज विवेकानंद जी के जन्मदिन का कार्यक्रम है। स्वामी विवेकानंद जी महान व्यक्ति थे, पूरा देश विदेश सब उनका इज्जत करता था और समाज सेवी बहुत बड़े थे। मैं इस कार्यक्रम में शामिल हूँ, उनके याद करने का हमेशा अमर रहे सब लोग, जनता हमेशा जाने, जो नई पीढ़ी है वो अपने को एहसास करे कि स्वामी विवेकानंद जी हमारे अमर व्यक्ति रहे, उनको याद करें। चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव मंत्री चित्रगुप्त मंदिर सभा। चित्रगुप्त मंदिर सभा अपने जितने देश के हमारे महान सपूत हैं उनके उनके पुण्यतिथि पर, उनके जन्मतिथि पर कार्यक्रम आयोजित करती है, हर वर्ष आयोजित करती है। और विवेकानंद जी भारत के इतिहास में एक अमोल धरोहर थे, जिन्होंने 1893 में जाके अमेरिका में अपने विद्वता का झंडा गाड़ा था और वो उनके विद्वता का लोहा विश्व ने माना था। और आज भी उनके याद में उनके जयंती पर चित्रगुप्त मंदिर सभा हर वर्ष ये आयोजन करती है और आज भी उसका आयोजन किया जा रहा है।